नमस्कार दोस्तों, तो अगली जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रयागराज और लखनऊ खंडपीठ में आज क्या क्या हुआ, कब की तारीख अगली मिली है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद या आप इसे प्रयागराज हाईकोर्ट में 6 फरवरी जबकि लखनऊ खंडपीठ में कल होगी आगे की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने अगली तारीख 6 फरवरी की लगाई है। जी हाँ दोस्तों, 6 फरवरी की अगली तारीख लगाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तब तक के लिए रिजल्ट पर रोक लगने का आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज हाईकोर्ट में 6 फरवरी तक रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर रिजवान अंसारी की याचिका पर बहस करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट में अगली डेट 1 फरवरी को दी गई है, जो कि 2:30 बजे के बाद लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी जो लखनऊ खंडपीठ में चल रही थी रिजवान अंसारी की जो याचिका थी, उस पर बहस करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट ने अगली डेट 1 फरवरी की तय करी है। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो में कि कब कौन सी डेट, कब अगली तारीख कब मिली है।